16 देखा जाए, यहाँ पे a का वैल्यू दिया है, एक मैट्रिक्स दिया है हमें, ए क्यूब माइनस सिक्स ए स्क्वायर प्लस सेवन ए प्लस टू आई बराबर जीरो प्रूव करना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैं पहले ए स्क्वायर निकालता हूँ, फिर ए क्यूब, फिर इसको एल एच एस को लेकर उसमें वैल्यू को रखेंगे, है ना। नहीं तो इसमें डायरेक्ट रखेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, जगह हम लोग के पास उतना नहीं है। पहले ए स्क्वायर निकालते हैं, मतलब ए में ए से इंटू करके, यानी आ जाएगा 1020212 03। फिर आपका आ जाएगा 1020212 03। चलो पहले मैं ए स्क्वायर निकालता हूँ, ठीक है, तो पहले रॉ में पहले कॉलम से करेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए करते हैं गुना तो क्या आएगा, तो आ जाएगा 1 + 0 + 4, दूसरे रॉ में फिर पहले ही कॉलम से, तो आपका आ जाएगा 0 + 0 + 2, तीसरे रॉ में फिर पहले कॉलम से, तो आ जाएगा 2 + 0 + 6, पहले रॉ में अब दूसरे वाले कॉलम से करेंगे, ठीक है, 0 + 0 + 0, देख रहे ना, इसमें इसे हो रहा है, 0 + 0 + 0, फिर दूसरे रॉ में फिर दूसरे कॉलम से, 0 + 4 + 0, फिर तीसरे रॉ में फिर दूसरे ही कॉलम से, तो 0 + 0 + 0, पहले रॉ में फिर तीसरे वाले कॉलम से करेंगे, तो आ जाएगा 2 + 0 + 6, ठीक है। फिर आपका यहाँ करना है आपका दूसरे रॉ में फिर तीसरे कॉलम से, तो 0 + 2 + 3, देख रहे हैं ना, इसमें इसे कर रहे हैं, तो 0 + 2 + 3 आ जाएगा, फिर तीसरे रॉ में फिर तीसरे कॉलम से, तो आ जाएगा आपका 4 + 0 + 9। तो यहाँ से ए स्क्वायर का वैल्यू आ गया, क्या आ गया, तो आ जाएगा 5 0 8, यहाँ आएगा 2 4 5, 2 3 5 ना हो जाएगा, फिर आपका आ जाएगा 8 0 13। चलिए ए स्क्वायर का वैल्यू आ गया। चलिए अब इसके बाद देखो, यहाँ पे मुझे ए क्यूब निकालना होगा, तो ए क्यूब निकालने के लिए ए स्क्वायर में मैं ए से इंटू कर दूँ तो काम नहीं हो जाएगा, तो ए स्क्वायर का वैल्यू ये रहा 5 0 8 2 4 5, ठीक है, और फिर 8 0 13 ए स्क्वायर का वैल्यू, और ए का वैल्यू यहाँ फिर रखते हैं, तो 1 0 2, फिर आपका क्या है 0 2 1, फिर 2 0 3। चलिए अब इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए क्यूब आ जाएगा, ठीक है, तो बड़े ध्यान से मल्टीप्लाई करना। चलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, पहले रॉ में पहले कॉलम से, तो 5 + 0 + 16, दूसरे रॉ में फिर पहले ही कॉलम से, तो 2 + 0 + 10, फिर पहले तीसरे रॉ में फिर पहले ही कॉलम से करेंगे, 8 + 0 + 26, फिर पहले रॉ में दूसरे वाले कॉलम से, तो 0 + 0 + 0, फिर दूसरे रॉ में फिर दूसरे कॉलम से, तो आ जाएगा 0 + 8 + 0, फिर तीसरे रॉ में फिर दूसरे ही कॉलम से, तो आ जाएगा 0 + 0 + 0, ठीक है। चलिए अब पहले रॉ में तीसरे वाले कॉलम से करना है ना जी, थर्ड वाले कॉलम से करना है, तो 10 + 0 और प्लस में 8 + 3 = 24 हो जाएगा, 24। पहले दूसरे रॉ में फिर तीसरे कॉलम से करना है, तो 4 + 4 और प्लस 15, ठीक है, तीसरे रॉ में फिर तीसरे कॉलम से, तो 16 + 0 और प्लस में 39, ठीक है। चलिए यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। देखिए 16 + 5 = 21 0 34, फिर देखो यहाँ पे 12 8 और 23, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पे देखो, ये आपका हो जाएगा 34, यहाँ होगा 0 और इन दोनों को जोड़ते हैं, 9 6 15 5 1 3 1 4 1 5 55 आ जाएगा, यही ना आएगा 55। चलिए अब ए क्यूब निकल गया, अब एल एच एस लेते हैं, एल एच एस में ए क्यूब माइनस सिक्स ए स्क्वायर प्लस सेवन ए प्लस टू आई है, एल एच एस में है
ए क्यूब माइनस सिक्स ए स्क्वायर प्लस सेवन ए प्लस टू आई, यही ना है आपका। चलिए अब इसमें सभी को सभी का वैल्यू रखते हैं, तो एक काम करते हैं, ए क्यूब तो यही ना है आपका, ए क्यूब यही आया है। चलिए तो इसको रख दो, आपका क्या है 21 0 34, फिर है 12 8 23 34, फिर आपका 0 और फिर आपका 55 माइनस का 6। ए स्क्वायर का वैल्यू हम लोग ऊपर निकाले थे ना, ए स्क्वायर का क्या आया था 508 245 और फिर 8 0 13, यही ना था। 7 ए का वैल्यू हमारे क्वेश्चन में दिया था 102 021 2 203, फिर प्लस 2 आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 3x3 ऑर्डर का होगा, यहाँ पे 100 010 001, यही ना हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, इसको तो भैया अभी वैसे ही छोड़ दो, 21 है 0 है 34 है, फिर 12 8 23, फिर 34 34 0 55, इसका इसको ऐसे ही रहने देते हैं। चलिए अब इसके बाद इसमें 6 से सब में इंटू कर देना, चलो 6 से इंटू करते हैं, तो 6 से इंटू करेंगे तो 6 5 30 6 5 30, फिर 0 8 6 48, 6 2 12, 6 4 24, 6 5 30, फिर 8 6 48, 0 है ना, और 13 6 78 हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्लस 7 7 से इंटू करना है सब में, तो 7 0 14, फिर आपका 0 फिर आपका 14 फिर 7 फिर 14 0 21, और यहाँ 2 में हर एक से इंटू करना है 2 0 0 0 2 0 0 0 2। चलिए अब देखो यह प्लस वाला और यह प्लस वाला जोड़ लेना है, ठीक है, तो जोड़ते हैं। चलिए तो जोड़ोगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखो, देखो 21 है और 7 है, तो 21 और 7 कितना हो जाएगा 28 28 2 30, 0 0 0 तो 0 ही रहेगा, 34 और 14 34 14 48, और ये 0 जुड़ेगा, 48 ही होगा, ठीक है। इसी तरह बाकी को जो 12 8 और 14 14 8 कितना हो जाएगा 22 और 2 24, फिर उसी तरह आगे जोड़ो 23 और 7 30, आगे जोड़ो यहाँ पर 48 0 55 और 21 और 23 में 55 जोड़ देते हैं, 78 आ जाएगा, और माइनस में है आपका पहले से ही यहाँ पे ये 30 0 48 12 24 30 48 0 78, तो हर एक एलिमेंट घटेगा तो 0 0 हो जाएगा ना जी, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, तो यहाँ से घट के आया एक शून्य मैट्रिक्स आ गया, 0 मैट्रिक्स आ गया, समझ गए, यही ना हमें प्रूफ करना था, हमारा प्रूफ हो गया। चलिए अगला